हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हिर एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन विच वी हैव कंटिन्यूड इन द प्रीवियस लेक्चर तो प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था कि स्ट्रैटेजी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ग्रोथ uh, स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्ट्रैटेजी उसके साथ जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी या एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ होते हैं वो सारे एक एक करके डिस्कस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है और आपको अगर पहली बार चैनल पे आप आए हो तो सब्सक्राइब करना है सो दैट अगले बार जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा सो so, अगर हम स्ट्रैटेजी के अल्टरनेटिव्स की बात करें सो वी हैव स्टार्टेड विथ स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटजी तो स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में उसका आपको पूरा डिटेल ऊपर आई बटन में मिल रहा है तो आई बटन पे क्लिक करें और लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी और कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं तो पहले हम इस लेक्चर में ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं देखो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्टेबल होता है जैसे ही वो मार्केट में स्टेबल होता है या जैसे ही स्टेबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है वैसे वो धीरे धीरे ग्रोथ के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाना चाहेगा अभी ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो दो पार्ट्स पे डिवाइडेड है नंबर वन इज़ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरनली भी कुछ स्टेप्स लोगे और सिमिलरली एक्सटर्नली भी कुछ स्टेप्स लोगे अभी जो इंटरनली स्टेप्स आप लेने वाले हो उसमें दो टाइप की स्ट्रैटेजी हम पढ़ने वाले हैं नंबर वन है इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी और नंबर सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी तो पहले इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझेंगे फिर हम अगले लेक्चर में एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे अगर एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें बताऊंगा तो इट विल बी अ मेस और काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पॉइंट्स नंबर वन इज इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड नंबर सेकेंड इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी फर्दर इज कैटेगराइज इंटू टू पॉइंट्स नंबर वन इज इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी एंड नंबर सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन देखो इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी की अगर बात करें हम तो इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी में जो फर्म होता है वो फर्म अपने बेसिस पे बहुत सारे स्टेप्स लेता है ताकि उनका बिजनेस मार्केट में और बढ़े तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप की स्ट्रैटेजी होती है नंबर वन है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी देखो पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम कम प्राइस रखेंगे दस दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग मार्केट्स जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसी को हम बेचने चाहेंगे हमारे मार्केट में ताकि हम हमारा जो सेल है वो बढ़ा सके अगर हम पेनीट्रेशन की बात करें मार्केट पेनीट्रेशन की तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सब जानते हो जियो है रिलायंस जियो ने क्या किया बहुत कम प्राइस रखा और मार्केट को पेनीट्रेट करने का, का काम किया मतलब कि जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स थे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए और कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे थे जिनको प्राइजेस कम करने पड़े तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है हम बहुत कम प्राइस रखते हैं स्टार्टिंग में ताकि हम सारे के सारे कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके हमारी तरफ और जैसे जैसे हमारा नाम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे प्राइसेस को बढ़ा पाएंगे आप अभी देख सकते हो जियो जो दो साल तीन साल हमको फ्री में इंटरनेट यूज़ करने मिला था अभी हमको इंटरनेट के लिए पैसे देने पड़ते हैं लेकिन जितने पहले थे उतने नहीं देने पड़ते काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है कंज्यूमर्स को और बाकी के भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी जो यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी देखो मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है कि दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू मार्केट्स यहाँ पे हम नए नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे जैसे आप सभी जानते हैं फास्ट फूड जो चेन है उसमें फास्ट फूड जैंट में अगर हम देखें तो मैकडोनल्ड्स वी आर हैविंग कोको कोला है फिर पेप्सी है उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ अचीव किया ग्लोबल एक्सपानशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया हर जगह पे सेंटर्स ओपन किए लेकिन आपको हर जगह पे जो सेंटर्स होंगे उनके उनका लेआउट उनका स्ट्रक्चर अंदर जो भी बैठने का फर्नीचर है जैसा भी अंदर का इंटीरियर है वो आपको हर एक सेंटर में सेम दिखेगा बिकॉज वो यही चाहते हैं कि कोई भी हमारा कस्टमर किसी भी हमारे सेंटर में जाए तो उसको वही सर्विस मिले जो एक स्पेसिफिक सेंटर में मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए नए मार्केट में लेके जाएंगे ताकि हमारा जोग्राफिकली हमारा बिजनेस बड़ा हो सके नंबर थर्ड इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे डेवलप करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में या न्यू मार्केट्स में मतलब हम नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे या फिर जो हमारा पुराना प्रोडक्ट होगा उसको ही इम्प्रूव करके अच्छा क्वालिटी बनाने का काम करेंगे जैसे कि अगर अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो देखो मोटर बाइक्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लाए हैं हीरो ने लाया है बजाज ने लाया है अभी के के बेसिस पे है बहुत सारे या फिर रॉयल एनफील्ड की बात करें सो देर आर एन नंबर ऑफ मॉडल्स विच आर अवेलेबल और जैसे जो कंज्यूमर है जैसे उसके एक्सपेक्टेशंस है वैसे हमको मॉडल्स मिल रहे हैं तो हम हर बार जो नया मॉडल लेके आएंगे उसमें नए तरीके से कुछ चेंजेस कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं हम या फिर जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ नए नए चेंजेस करके लाएंगे और नए मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटी एंड मार्केट पेनिट्रेशन पेनीट्रेशन ये तीन स्ट्रेटेजी बेसिकली आपके इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी में कवर होते हैं तो अगला हम अभी पढ़ेंगे पार्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन देखो डाइवर्सिफिकेशन भी एक टाइप का इंटरनल ग्रोथ है इसमें हम क्या करते हैं नए प्रोडक्ट लाइंस में जाएंगे या प्रोडक्ट का लाइन चेंज करेंगे या कोई डिफरेंट बिजनेस में जाते हैं तो डेट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ठीक है डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है और ये क्यों किया जाता है क्योंकि हमें लगता है कि जो हम प्रोडक्ट लाइन में अभी फिलहाल है उसमें हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो हम क्या करेंगे दूसरे लाइन में जाएंगे या फिर वही प्रोडक्ट में हम सक्सेसफुल तो है लेकिन और मार्केट में अच्छी तरीके से उसको आ, सेल करें या मार्केट में हमारा सेल और बढ़े उसके लिए ये बहुत सारे डाइवर्सिफ़िकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ होते हैं तो सबसे पहला है हमारा वर्टिकल डाइवर्सिफ़िकेशन देखो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन ठीक है अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं अगर हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया तो उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग एक्टिविटीज में अगर हम बिजनेस करने वाले हैं या बिजनेस में जाएंगे जैसे अगर हमने एक शू बनाने वाली कंपनी है तो शू बनाने वाली कंपनी का काम है सिर्फ शूज़ प्रिपेयर करना या शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करना उन्होंने क्या किया उनके एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया या एडवर्टाइजमेंट भी खुद की कंपनी ही कर रही है तो ऐसे केस में क्या किया हमने एक स्टेप आगे गए अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक स्टेप अगर हम पीछे आएंगे तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन अभी शू बनाने के लिए रबर लगता है तो हमने पहले रबर हम बाहर से रॉ मटेरियल्स को परचेस करते थे अभी हमने क्या किया हमारी खुद की कंपनी डाल दी जिसमें से रबर बनता है और वही रबर से हम शूज बनाते तो हम एक स्टेप अगर पीछे जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन और अगर एक स्टेप आगे जाएंगे तो तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हम कार 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 बनाने वाली वाली कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जैसे मारुति तो मारुति मारुति परचेस करने के लिए आपको पैसे लगेंगे तो लोन लगता है तो लोन हम बैंक के पास जाते हैं अभी मारुति ने क्या किया मारुति ने खुद का मारुति फाइनेंस शुरू किया मतलब आपको लोन चाहिए तो बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं हम ही आपको लोन देंगे दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ध्यान रखना नंबर सेकंड इज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे एक्टिव इंट्रोड्यूस करते हैं हम न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट लाइंस विच आर रिलेटेड टू द सर्टन एक्सटेंड टू द करंट लाइन ऑफ द बिजनेस जो प, पहले से हमारी लाइन थी बिजनेस की जैसे हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते थे तो अभी हमने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में ही अपना बिजनेस रखा है लेकिन और नए नए रेंज और नए नए प्रोडक्ट लाइन्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन जैसे अगर कोई कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर्स बनाती है तो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी का मेन मोटो था रेफ्रिजरेटर बनाना और लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देना अभी वही रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी ने क्या किया एसी बनाना भी शुरू कर दिया अगर उन्होंने एसी बनाना भी शुरू किया है तो बेसिकली थोड़ा बहुत रिलेटेड बिजनेस है तो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन ये आपको ध्यान रखना है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन ध्यान रखना कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन इन टू सच प्रोडक्ट्स विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ द बिजनेस तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ द बिजनेस के साथ जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो एक फाइनेंस कंपनी है वो फाइनेंस कंपनी ने आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कुछ बिजनेस किया है तो थोड़ा बहुत अनरिलेटेड बिजनेस है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन ध्यान रखना आपको कांग्लोमरेट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्लोमरेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डाइवर्सिफाइड बिजनेस जैसे टाटा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका देखो टाटा टाटा स्टील में भी है टाटा फाइनेंस में भी है टाटा हाउसिंग में भी है फिर टाटा के बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स है टाटा स्टील है टाटा कंसल्टेंसी है टाटा पावर है टाटा केमिकल्स है टाटा ग्लोबल ब्यूरेजेस है टाटा टेली सर्विसेज है टाटा इंडस्ट्रीज है बहुत सारे हैं। तो ये सारे टाटा होटल चेन में भी है जैसे ताज होटल्स की बात करें तो तो ऐसे अगर आपके बिजनेसेस होंगे तो उसके लिए स्ट्रैटेजी कौन सी लगेगी डायवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी लगेगी और डायवर्सिफिकेशन में भी कौन सी लगेगी कांग्लोमरेट्स डाइवर्सिफिकेशन तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच वी हैव लर्न वर्टिकल डायवर्सिफिकेशन हॉरिजोंटल कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट तो यही था आज का सेशन तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर लेना और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर